नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा। चलिए नजर डालते हैं हल्द्वानी और उसके आसपास से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। हल्द्वानी मंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की को गिफ्ट देने पहुंचे तीन युवकों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और इसकी सूचना मंडी पुलिस को दी, जिसके बाद मंडी चौकी पुलिस तीनों युवकों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के घर के पास तीन युवक काफी देर से घूम रहे थे। अंधेरा होते ही तीनों युवक लड़की के घर में घुस गए। इस दौरान लड़कों को घर में घुसता देख ग्रामीणों को शक हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने पूछताछ की तो पता चला कि तीनों युवक आगरा के रहने वाले हैं, जिसमें एक युवक हल्द्वानी में रहकर काम करता है। बताया जा रहा है कि युवक की नाबालिग लड़की से दोस्ती है और युवक गिफ्ट में नाबालिग लड़की को पायल देने आए थे। बताया जा रहा है कि घर में लड़की अपनी दादी के साथ रहती है, जबकि उसके माता पिता बाहर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर 14 दिसंबर 2022 को सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लालकुआ निवासी डिप्टी रेंजर के परिजनों को न्यायालय ने बीमा कंपनी को 1,44,07,268 रुपए प्रतिकर धनराशि देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हल्दुचौर गुमटी निवासी डिप्टी रेंजर होमेंद्र कुमार मिश्रा 14 दिसंबर को अपनी मोटरसाइकिल से लालकुआं से हल्द्वानी की ओर अपनी ड्यूटी को जा रहे थे, जहां इंडियन ऑयल डिपो के पास हाईवे पर तेजी से आ रही होंडा सिटी कार ने होमेंद्र कुमार मिश्रा की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में होमेंद्र कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इन खास खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।